राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं दिसंबर मंथ, जो कि इस पूरे ईयर का लास्ट मंथ है। पूरे ईयर में हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए, काफ़ी कामयाब हुए और काफ़ी नाकामयाब भी रहे हैं, ठीक है। ये 2024 का साल था शनि का, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लेकर आया है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि जाते जाते ये ईयर, क्योंकि अब 2025 की एनर्जी हम ऑलरेडी हम कैच कर रहे हैं। दिसंबर ऑनवर्ड्स 2025 की एनर्जीज, मार्स की एनर्जीज में हम एंटर कर रहे हैं। तो क्या अनएक्सपेक्टेड हमारे लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। रीडिंग इज टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट नंबर्स, डेट्स, जोडिएक्स मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग हम करते हैं विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, दिसंबर मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स बताएं क्या अनएक्सपेक्टेड गुड चेंजेस लेकर आएगा और आया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है जो प्लान्स आपके लिए वर्क नहीं किए हैं उनको पीछे छोड़कर, यस लिटरली उनको पीछे छोड़कर अब आप बिना परवाह किए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हार्टलेस हो या आप बहुत ही स्वार्थी हो। डेफिनेटली आप उन रिश्तों को या उन प्लान्स को मिस तो करेंगे, लेकिन स्टिल अब आप बेपरवाह होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ चुका है कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उनसे चिपक कर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले से आप एकदम से खुद में पॉजिटिव फील करने वाले हो, कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो एंड जिम्मेदारियां उठाने के लिए एंड उन्हें निभाने के लिए अगेन रेडी हो रहे हो। जेमिनी लिब्रा अक्वेरियस एनर्जी प्रोमिनेंट है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इस मंथ अपने सोलमेट्स को, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, तो होने के चांसेस स्ट्रांग है। उनका कॉल या मैसेज आपको खुद से आएगा एंड ऐसा लग रहा है जो टोटल सिंगल हैं सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इमोशनली बहुत डीप और डेंस कनेक्शन फील करेंगे एंड उनके साथ बात करके आप बहुत ही रिलैक्स्ड, पॉजिटिव एंड यू नो हैप्पी फील करेंगे। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स इस मंथ आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। पहले आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे या इग्नोर करते होंगे, अब आपको बाय हार्ट लगेगा कि जो मेरी इंट्यूशन कह रही है मुझे वही करना है। अब मुझे लेफ्ट राइट नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। इस मंथ आप इमोशनल भी काफ़ी रहोगे, लेकिन इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे। हो सकता है आपके मन में क्या चल रहा है आपके आसपास के लोगों को पता भी ना चले, तो सीक्रेटिव भी रह सकते हो। 2, 11, 29, 20, 7, 16, 25, 4, 22, 13, 31 इम्पोर्टेंट नंबर्स और डेट्स यहाँ पर हैं जो कि आपके लिए हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि बहुत आपको आपके आसपास के लोगों ने इरिटेट किया है, ट्रिगर किया है, अननेसेसरली आपको नीचा दिखाने की कोशिशें की हैं अभी तक, लेकिन अब आप किसी की एक नहीं सुनने वाले। तो अब आप कॉन्फिडेंस के साथ ना केवल आगे बढ़ोगे बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिके रहोगे और उसके लिए लड़ोगे भी। जहां आपको लगता है आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, वहां आप फाइनली आवाज़ उठाओगे। एरीज लियो साज की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों को 777 एंजल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, बिकॉज यूनिवर्स भी चाह रही है कि अब आप खुद के लिए अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लो एंड जो चीज़ें आपके लिए वर्किंग नहीं है उन्हें रिजेक्ट करना, अवॉइड करना या नो बोलना फाइनली आपको सीखना है। 4, 22, 13, 31 इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हैं एंड ऐसा लग रहा है फाइनली इस मंथ पर आप
खुद के फाइनेंसेस, खुद की हेल्थ, वेल्थ एंड ब्यूटी पर फोकस करोगे। अब आप लोगों को चेज करना बंद कर रहे हो एंड ऐसा लग रहा है आप में से जो भी लोग फेस कर रहे हैं बहुत टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनली फाइनली जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, अनहेल्दी फील कर रहे हैं एंड आपके कनेक्शन भी बिगड़ रहे हैं, फाइनली ऐसा लग रहा है वो सारी प्रॉब्लम से आप लोग ओवरकम कर रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो और फाइनली आपके हार्डवर्क आपको पे ऑफ करने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है, इंसाफ मिलने वाला है एंड अगेन आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस करके अपने फाइनेंसेस को ठीक करने वाले हो एंड जहाँ जहाँ आपने एफर्ट्स लगाए हैं उन इन्वेस्टमेंट्स के रिजल्ट भी अब आपको अनएक्सपेक्टेडली एकदम से मिल जाएंगे। तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बस अपनी मेहनत करें और यूनिवर्स डेफिनेटली अब आपको अवार्ड देने के लिए रेडी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं बिकॉज आपके आसपास के लोग बहुत डोमिनेंट हैं जो आपको हमेशा टॉर्चर करते हैं, आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की मोटिवेशन, पावर और कॉन्फिडेंस की एनर्जी मिल रही है। फाइनली आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो एंड ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स को नो बोल रहे हो, लेट गो कर रहे हो। अगर आपके खुद के भी कुछ एडिक्शंस हैं तो उन्हें भी आप पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़ोगे। ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेने वाले हो जो बहुत टाइम से बहुत ज़रूरी था बट नहीं ले पा रहे थे अपनी फैमिली या आसपास के लोगों की वजह से। अगर आप में से कुछ लोगों का प्लान है बाहर जाके सेटल डाउन होना, घर से बाहर जाकर रहना, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना या वहाँ स्टडी करना या वर्क करना, तो बिग येस, अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड गुड न्यूज़ आप तक आ रही हैं। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि फाइनली फाइनली इस मंथ अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूं तो यूनिवर्स कह रही है कि कॉन्फिडेंस का लेवल जब बढ़ता है और आपकी मस्कुलिन साइड एक्टिवेट हो रही है फाइनली, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आप हर एक को सवाल जवाब करने लगोगे, तो थोड़ा सा शांत रहने की भी कोशिश करना, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट मत बनना, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको कह रही है यू आर राइट, अब आपको मस्कुलिन वे से, कॉन्फिडेंट वे से, अथॉरिटेटिव वे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर इस मंथ में रेमेडीज की बात करूं आपके लिए, तो रेमेडीज के तौर पर आप इस मंथ डॉग्स को फीड करा सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को, पेट डॉग्स को नहीं, वो तो आपके बच्चे हैं, आप उनका रोज ही ख्याल रखते हैं, ठीक है। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवा सकते हैं, गणपति बप्पा की पूजा कर सकते हैं एंड जो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, ग्रीन कलर को एड ऑन कर सकते हैं। जौन सी भी रेमेडी आपको अट्रैक्ट कर रही है वो रेमेडी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्टल ब्रेसलेट की, तो ऐसा लग रहा है रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट आप पर बहुत अच्छा वर्क करेगा, विद इट ब्लैक हकीक भी। ये ब्रेसलेट्स आप मेरे से भी बुक करवा सकते हैं एंड अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं तो मैं आपके लिए पहले चेक करूंगी, बिकॉज ये रीडिंग जनरल है, ठीक है, मैं आपके लिए पहले चेक करूंगी कि ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे एंड देन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि प्रॉपरली चार्ज्ड होंगे। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाएं जाकर चेक करें पर्सनल रीडिंग्स, काउंसलिंग्स, सेशंस या चार्ज्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली हम अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। टेक केयर।